पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी आम आदमी पार्टी। निर्मल मिश्रा। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश सह प्रभारी निर्मल मिश्रा ने अकबरपुर क्षेत्र के हाईवे पॉइंट होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में सभी स्थानों से अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेगी। निर्मल मिश्रा ने बताया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार सफलतापूर्वक चला रही है और दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य के मामलों को लेकर जो मॉडल स्थापित किया गया है वह पूरे देश में एक उदाहरण बनकर दिखा है। उत्तर प्रदेश में सन 2022 के विधानसभा चुनाव में यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तथा किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। निर्मल मिश्रा ने बताया कि कानपुर देहात संगठन में जिला अध्यक्ष की कमान आशुतोष सागर पांडे को सौंपी गई है। श्री मिश्रा ने कहा कि आशुतोष सागर पांडे जनपद कानपुर देहात में आम आदमी पार्टी को स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में पार्टी उनका कद बढ़ाएगी। आशुतोष सागर पांडे जिला अध्यक्ष कानपुर देहात ने कहा कि हाल ही में बिजली विभाग भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूका है और बिजली विभाग में पहला भ्रष्टाचार दूर करने के लिए वह पूरा प्रयास पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। मीडिया 100 न्यूज कानपुर देहात से तबस्सुम की रिपोर्ट। मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव लड़ाते उनको जिता के विधानसभा तक पहुंचाएंगे और हमारा लक्ष्य है 2022 में तो लिखित दे कि सरकारी प्रक्रिया क्या कहती है और या फिर मनमाने ढंग से काम ना करें, क्योंकि देखने में आया कई पूरे गांव की बिजली काट दी, बकाया कुछ लोगों का है लेकिन पूरे गांव को प्रताड़ित करने के लिए बिजली काट दी। प्रहलादपुर का एक एग्जाम्पल आया, मैंने फ़ोन किया, फिर एग्जाम्पल आया नेरा का, मैंने फ़ोन किया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये उगाही सरकारी उगाही नहीं होने देगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि जिसका मन आता है जय ही उसको कनेक्शन दे देता है और जिसका मन नहीं आता है उससे कहता है भाई तुम्हारा जो है बकाया है। तो ये कौन सा सूदखोरी का सिस्टम चल रहा है बिजली विभाग का? हमारे दिल्ली में तो ऐसा नहीं है। दिल्ली में 75% जनता को हम लोग बिजली मुहैया करा रहे हैं। हम लोग मुहैया क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमारा एक सिस्टम है, हमने उस सिस्टम के अनुसार सभी लोगों को एक सुविधा प्रदान करी है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में तो प्रताड़ित किया जाता है। गरीब का बच्चा क्या हक नहीं रखता है कि वो घर में बैठ करके पंखे की हवा के नीचे जी सके? लेकिन किया क्या जा रहा है? आपके ससुर का बकाया है, रीना देवी एक है उनका मैटर है, तो ये गलत है। क्योंकि बहुत सारा सिस्टम ऐसा है इनका बिजली विभाग का जहां पर कंप्यूटर से ही बिजली का, अगर इसी तरह हर व्यक्ति का मनोबल हो तो कोई इंसान भुखमरी की कगार पर ना जाए। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता शुभम श्रीवास्तव के पास और जानते हैं सारी जानकारी। मैं अब बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलनरत रहूंगा और जनता को न्याय दिलाऊंगा। आखिरी क्वेश्चन विवेक, एक मिनट में हमारा लोगों को हो गया और लोग करेंगे, हम लोग निकल जाएंगे। आओ ये मुश्किल।